देखो कैसे करेंगे इसको, है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? लेट से दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई हो गया, और ये एक स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये एक सर्कल हो गया लेट से, है ना। तो इसमें जो एस है, एस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी एस इज इक्वल टू 0 बाय द वे, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 0, और ये हो जाएगा 0, 2, ये वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक और लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो देखो ये जो लाइन है वो क्या ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो दैट दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, या फिर उसको -2 = 0 ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय सर्कल एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये इस रीजन में हो, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है, इस रीजन में ये पॉइंट लाई करे, इस बात के लिए कंडीशन हमें निकालनी है। तो ये पॉइंट जो है इसको बना देते हैं, ये क्या है, a, a+1। तो सबसे पहले तो ये देखो इसकी खासियत क्या है कि ये सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा कि s, a+1 जो है <0 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहली कंडीशन लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है s, ये a² + y² मतलब a+1 का होल स्क्वायर -4 < 0 आ जाएगा। मतलब a² + a² + 2a + 1 - 4 < 0, 2a² + 2a - 3 < 0 आ जाएगा। 2a² + 2a - 3 < 0 आ जाएगा। ये s1 हो गया, s हो गया है ये फटाफट। अच्छा दूसरा कंडीशन है, दूसरा है कि इसके रेस्पेक्ट में ये ओरिजिन की सिचुएशन चेक कर लेते हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, समझ रहे कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ ये पॉइंट नहीं है, ये और ओरिजिन दोनों अपोजिट साइड है। तो इस लाइन के लिए l 0, 0 चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, l मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, 0 + 0 - 2 < 0। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस ओरिजिन की वैल्यू <0 आ रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में l a, a+2 कैसा आएगा, ये <0 आएगा क्योंकि आउटसाइड लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है इसको पुट आउट कर देते हैं, a + a+2 - 2 > 0, तो कितना मिलेगा, तो a > 0। इसको सॉल्व करोगे ध्यान से देखो, तो ये <0 आ जाएगा। एक तो ये आ गया ठीक है, और ये किए हैं, इन दोनों को अभी सिंपलीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2a² + 2a - 3 < 0। अब देखो इसमें ना वेवी कर्व का प्रयोग आ गया, वेवी कर्व का प्रयोग इसमें अप्लाई किया जाएगा। याद करो इंटरवल मेथड में हम क्या करते थे, तो सबसे पहले तो इसके रूट निकालना पड़ेगा, तो a = कितना हो गया, -2 + -√b² b² = 4 - 4a a2c कितना है, -3 है, और अपॉन 2a, तो a का जो वैल्यू आ रहा है -2 + -√, ये देखो
फोर इंटू सेवन आ जाएगा अपॉन टू इंटू टू। सो इसको सिंपली टू कट हो जाएगा यहाँ से। सो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सेवन बाई टू आ जाएगा। देखो ध्यान से ये आ गया। अब यदि हम सिर्फ इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, इस पे दो पॉइंट हमें प्लॉट करने पड़ेंगे एज पर द वेवी कर्व। एक तो पॉइंट आ जाएगा माइनस वन माइनस, या पूरे में ही माइनस लगा देते हैं, वन प्लस रूट सेवन बाई टू है ना। और एक पॉइंट इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट सेवन माइनस वन बाई टू। और ये देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और ये क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो बताएगा कि ए बिलोंग करता है माइनस वन प्लस रूट सेवन बाई टू से रूट सेवन माइनस वन बाई टू तक, ऐसा। तो ये इसको सॉल्व करने से आया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है सेकंड की ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर जो मिलेगा एंड दैट इज ए बिलोंग्स टू ए, जीरो से बड़ा था, ये तो नेगेटिव है, जीरो कहीं यहाँ पे होगा कहीं, तो जीरो से बड़ा ये, मतलब ये रीजन देखना। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो है कहाँ तक है, ए बिलोंग करेगा जीरो से लेके रूट, कुछ गड़बड़ आया क्या, आई थिंक वी हैव डन समथिंग रॉन्ग रॉन्ग हियर। एक्स प्लस वाई माइनस टू, एक्स प्लस वाई, अच्छा हाँ ये टू नहीं है बच्चा, ये वन है। अरे यार क्या कर दिया ये, तो इसलिए ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे ए प्लस वन आ रहा है और ये टू नहीं लिखना है यहाँ पे, दिस इज ए प्लस वन है। देखो ना यहाँ ये वाला पॉइंट है ए कॉमा ए प्लस वन, तो ए प्लस वन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इससे मिलेगा टू ए ग्रेटर देन वन, मतलब ए ग्रेटर देन वन बाई टू है ना, ए ग्रेटर देन वन बाई टू ऐसा आएगा यहाँ पे, ए ग्रेटर देन वन बाई टू। तो यहाँ लेट से वन बाई टू एक पॉजिटिव नंबर है, तो वन बाई टू कहीं यहाँ पे ही होगा, वन बाई टू ऐसा। तो वन बाई टू, अच्छा इसमें भी हो सकता है कि डाउट हो कि रूट सेवन माइनस वन अपॉन टू वन बाई टू से बड़ा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि सेवन रूट सेवन की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग आएगा, टू पॉइंट समथिंग माइनस, उसमें से वन सबट्रैक्ट करेंगे तो वन पॉइंट समथिंग बाई टू है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि हाफ इससे छोटा है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू वन बाई टू टू रूट सेवन माइनस वन अपॉन टू, ऐसा आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है कैलकुलेशन, बट लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, क्या इतनी बात समझ आई। इसका एक और मेथड है, वो भी मैं बता ही देता हूँ है ना, आप देख लो मेथड नंबर टू। वो थोड़ा देर में आएगा जब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। यदि मैं बात करूं ये इसमें से ए हटा दूं तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए प्लस वन ऐसे कर दूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो पॉइंट है वो y इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइन पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये लाइन हो गई ऐसा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब ये देख लो ध्यान से देखना, x इक्वल टू ए है तो ये देखो कि ये जो लाइन है ये वाला पॉइंट कितना है, ये एक्स वन हो गया यहाँ पे कट कर रहा है, और ये लाइन इस सर्कल को यहाँ पे कट कर रही है, कॉल दिस बी एक्स टू। तो कैन यू फाइंड एक्स वन, एक्स वन फाइंड करना है,
तो इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं इसको, इसके साथ सॉल्व करेंगे, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस वन को और x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर देते हैं, तो x प्लस वाई की जगह x प्लस वन इज इक्वल टू टू, मतलब x इज इक्वल टू वन बाई टू। तो आप देख सकते हो कि ये x क्या आ गया, इसमें x वन आ गया ना, x वन आ गया वन बाई टू, दिस इज वन बाई टू ऐसा। अच्छा, x टू पता करना है तो इसको इस सर्किल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, सर्किल के साथ सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का इंटरसेक्शन देखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह ये एक्स प्लस वन रख देते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस फोर, तो ये माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आ गया। देखो ध्यान से, ऐसा हो गया। और इसको सॉल्व करोगे, इसके रूट आ जाएंगे, अभी तो निकाला हम लोगों ने, इसके रूट आएंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट सेवन बाई टू, है ना, और दूसरा क्या मिलेगा, रूट सेवन माइनस वन बाई टू। ये वही इक्वेशन है जो थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, देखो ये वाले, ध्यान से देखो कौन सी इक्वेशन, यही है ना, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री, ये टू ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री, वही इक्वेशन यहाँ फिर से बन गई है। तो इनके रूट ये आए। अब देखो ये एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कौन सा x2 है, तो एक देखो ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल को एक इधर कट कर रही है, जो एक्सट्रीम नेगेटिव है वो पहला वाला है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस ऑफ रूट सेवन प्लस वन बाई टू आ जाएगा। लेकिन x2 जो पॉइंट है वो x2 क्या हो गया, x2 हो गया रूट सेवन माइनस वन बाई टू। तो अब देखो a क्या बोल रहा है, x जो है वो a ही है, एक्स ए, तो ए कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से यहां तक, मतलब वन बाई टू से लेके रूट सेवन माइनस वन बाई टू तक। सो ये अनदर मेथड है, तो अब आप, आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड यूज करते हो। समझ आए क्या, कंसेप्ट समझा, सेकंड वन, इज दिस क्लियर। तो ए बिलोंग करेगा एक्स जो कि ए था, हमने बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, वन बाई टू से लेके रूट सेवन माइनस वन बाई टू तक, ये आंसर आ जाएगा। लेट से ध्यान से देखो कि ये एस जो है हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी है, ठीक है। और यदि मैं इस सर्कल की बात करूं कि यह सर्कल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इस सर्कल की इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी एस इज इक्वल टू जीरो। एक दूसरी सिचुएशन है कि एक सर्कल है, सर्कुलर डिस्क, लेट से सर्कुलर डिस्क की बात करूं, मतलब ये पूरा रीजन की बात कर रहे हैं ना, इस डिस्क की क्या इक्वेशन होगी, तो इस पूरे रीजन की, मतलब डिस्क जो सर्कल के अंदर ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को ऐसे लिखेंगे एस लेस देन जीरो। समझ आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस क्या है, अब ये ऐसे जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जो एस को लेस देन जीरो बना रहे, तो ये सारे पॉइंट आ गए कि नहीं, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो सब आ जाएंगे, है ना, ये सिचुएशन है। इसमें ध्यान रहे कि बाउंड्री जो है, बाउंड्री एक्सक्लूडेड है, आपने आपने क्या किया हुआ है कि एस लेस देन जीरो किया हुआ है, ठीक है, ये बाउंड्री एक्सक्लूडेड है। अब यदि हम कहें कि नहीं सर, बाउंड्री भी आना चाहिए और इनसाइड वाला रीजन भी आना चाहिए, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे,
बाउंड्री विद इनसाइड वाला रीजन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लेट से ये भी है ये वाला रीजन, तो इसके लिए आएगा जो लिखा जाएगा वो एस लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्क, ये जो है दोनों केस हो गए डिस्क के, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन है कि कुछ इस तरह की केस बने, लेट से ये होल है, इसमें क्या होगा कि ये वाला रीजन बाहरी वाला रीजन काउंट करना है, सर्कल के इनसाइड वाला रीजन नहीं बाहर वाला, विद बाउंड्री, विद बाउंड्री, तो ये सर्कल के इनसाइड वाला रीजन नहीं चाहिए, पूरा बाउंड्री वाला है सिचुएशन है ये हॉल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एस मतलब ये है, नोट ऑन दिस। इन सबका सेंटर कितना है, सबका सेंटर जो है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, और रेडियस जो है, रेडियस रेडियस जो है आर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए, जितने भी सर्कल है वो सबके लिए ये। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, सर्कल मतलब ये बिल्कुल ये बायर्ड बायर्ड फ्रेम है एस इक्वल टू जीरो, और डिस्क का दो तरह के डिस्क हो सकते हैं, एक ऐसा ये ऐसा, तो दोनों अलग अलग केस में आपको बता दिया कि एक में बाउंड्री इंक्लूड है एक में बाउंड्री एक्सक्लूडेड है, इसमें होल है इसमें बाउंड्री इंक्लूड कर दिया हमने सर्कुलर होल, तो इसमें एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, है ना वेस्ट, नोट करो फटाफट, सबसे पहले तो ये राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। द स्ट्रेट लाइन टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन divides the circular region x square plus y square less than or equal to 6. Into two parts if s is equal to, ऐसा लिखो 2, 3 by 4, 5 by 2, 3 by 4, 1 by 4, -1 by 4, 1 by 8, 1 by 4, ऐसा है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस lying inside the smaller part is fill in the blank, answer karo, answer it
देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये फिगर बना लेते हैं इस तरह से। एक्स एक्सेस हो गया, दिस इज वाई, और एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है रूट सिक्स। लेट्स से ये एक सर्कल है, है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा रूट सिक्स कॉमा जीरो, और ये जीरो कॉमा रूट सिक्स हो जाएगा, है ना। बाय द वे सर्कुलर डिस्क है तो इनसाइड की बात की जा रही है, इसके इनसाइड, ठीक है, इसके इनसाइड की बात करनी है। और एक लाइन है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन, कॉल दिस बी एल बना देते हैं, इज इक्वल टू जीरो। तो यदि मैं एक्स जीरो पुट करूं तो वाई का वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ रहा है, माइनस वन बाई थ्री समवेयर हेयर, कहीं यहां पे होगा। एक्स जीरो पुट करने पे वाई की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री यहां पे कहीं होगा, और y जीरो करने पे x का वैल्यू वन बाई टू जो कि समवेयर है, ऐसा कुछ होगा। तो मतलब ये जो लाइन है l, वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, l इक्वल टू जीरो। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो स्मॉलर रीजन है, स्मॉलर रीजन तो ये होगा ना, और s के कोऑर्डिनेट, s एक सेट है जिनमें ये चार पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितने पॉइंट इस स्मॉलर रीजन में लाई कर रहे हैं, इस स्मॉलर पोर्शन में लाई कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस ओरिजिन की पोजीशन देख लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू लाइन। तो ओरिजिन की पोजीशन क्या है, ओरिजिन की पोजीशन एल जीरो कॉमा जीरो के रेस्पेक्ट में देखे हैं। तो एल जीरो कॉमा जीरो, ये माइनस वन लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो भी पॉइंट होगा इनमें से एल के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि सर्कल के इनसाइड है, सर्कुलर डिस्क के अंदर लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये y कोऑर्डिनेट दोनों में सेम आ रहा है थ्री बाई फोर, तो y थ्री बाई फोर पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर, मतलब नाइन बाई सिक्सटीन लेस देन इक्वल टू सिक्स। देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये 96 माइनस 9 बाई 16, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो और ध्यान से देखो ये चीज ना, तो x स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 87 बाई 16, 87 बाई 16, और ये वैल्यू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, ये 16 पंचे 80, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग, तो x का जो वैल्यू आएगा यदि अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट में x का वैल्यू इसमें, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट, तो मतलब ये और ये दोनों ही सिचुएशन है। अब ये देखना है, ये चीज चेक करनी है कि यदि मैं x का वैल्यू 5 बाई 2 पुट करूं यहाँ पे, 25 बाई 4, क्या ये लेस देन 87 बाई 16 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान से देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये 400 हो जाएगा, लेस देन 8 चौक 32, 7 चौक 28, 32 और 28 28, 48, 348, क्या ऐसा है, 4 से 28, 8 चौक 32, हाँ
ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये पॉइंट लाई नहीं करेगा, ये लाई करेगा इस रीजन में। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किए? देखो यहाँ पे 3/4 था, या तो हम एक करें कि हर एक पॉइंट को चेक करें तो 8 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिखा कि देखो ये 3/4 है, 3/4 पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू समझ में आ रही है। तो पहले 2 पॉइंट आपके चेक हो गए इस तरह से। अच्छा इन दोनों में देखते हैं, ये -1/4 है, ये 1/4 है, तो वाई स्क्वायर की तो वैल्यू सेम ही रहेगी इसमें। तो फिर से इसके लिए चेक कर लेते हैं, ये 1/4 और -1, तो ये क्या होगा अगेन एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाला सिचुएशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 लेस देन और इक्वल टू 6 आ रहा है। तो मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16 × 96, 95/16 आ रहा है। तो एक्स जो है इसका, एक्स यदि मैं सिर्फ अंडर रूट ले लूं तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना? ये 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4, 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4 है ना। अब इसमें ये चेक करना पड़ेगा, इसमें एक्स के लिए चेक करना पड़ेगा बच्चा, 1/4 और 1/8 के लिए। तो 1/4 चेक कर लेते हैं, 1/4 करेंगे तो 1/16 लेस देन 95, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये है ना, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे फिर 1/8 भी चेक कर लेते हैं, 1/8 चेक करेंगे तो हाँ वो भी इससे छोटे ही आएगा क्योंकि इसमें सिचुएशन ये आ रहा है। तो एस तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन लाइन के बाहर भी तो होना चाहिए, ओरिजिन साइड नहीं इस। तो अब यहाँ पे ये पुटअप करते हैं इसमें सेकेंड वाले लाइन वाला सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/4 पुटअप करते हैं लाइन के केस में, तो 2 × 1/4 -3 × -1/4 -1, ये कितना आ रहा है? क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? देखो ध्यान से, 1/2 + 3/4, 1/2 + 3/4 -1 पॉजिटिव आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। अभी ये वाला, ये और देखना है, ये तीसरा वाला सिचुएशन और देखना है। 1/8 पुट अप करें तो कितना आएगा, यहीं पे निकाल देते हैं, तो दैट इज 2 × 1/8 -3 × y, y कितना है, 1/4 -1, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ये 1/4 -3/4 -1, तो आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट नहीं आएगा। सो आंसर कितना हो जाएगा इसका, आंसर 2 हो जाएगा, दिस इज द आंसर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है बट ठीक है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही करते हैं बच्चा लोग, ठीक है।